क्या बात है, क्या बात है। 91.9 फ्रेंड्स एफएम, मेरा नाम एनिमेश और अब हमारी बातें होने वाली है नन अदर देन वेरी टैलेंटेड सिंगर तुषार जूल्स के साथ। जी हाँ, इन्होंने रिक्रिएट किया है एवरग्रीन सॉन्ग हमें तुमसे प्यार कितना को। बहुत ही अच्छा लग रहा है, रिक्रिएशन के बाद इस गाने में जान और ज्यादा आ गई है। बहुत मजा आ रहा है इस गाने को सुनने में और इसीलिए मैंने तुषार को फोन किया है। चलिए नंबर घुमाते हैं। Hello. Hi Tushar, this is Rj Animesh calling from Friends FM Kolkata. Hi Animesh, how are you? I am good Tushar. सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 Friends FM Kolkata शहर में। Hey, thank you so very much Animesh. Well, सबसे पहले आपको बता दूं, near 40 lakhs of people are listening to you on Friends FM right now. हम सब बातें कर रहे हैं इस वक्त आपके नए गाने की, हमें तुमसे प्यार कितना। जी हाँ, इस ये हमेशा से ये सभी का फेवरेट गाना रहा है और इसे आपने एक नई लाइफ दी है, हम कह सकते हैं। कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, गाना तो अपने दिल से बनाया है, इसे वापस रिक्रिएट करने की कोशिश की है एंड आई एम वेरी थैंकफुल। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ लोगों का, आप सभी लोगों का, मीडिया से जो रिलेटेड है कि इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट कर रहे हैं इस गाने का। गोइंग टू से ओनली दिस वन, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। वैसे मुझे बताइए कि आपके अगर हम करियर की बातें करें, आप बैंकर रह चुके हैं, एमबीए टर्न आर्टिस्ट आप हैं, इतना कुछ कर लिया है आपने और आप एक अच्छे सिंगर भी हैं, तो अभी तक के आपके करियर की अगर हम बातें करें, इस सफर में कितना सफर करना पड़ा तुषार को? इस सफर में सफर काफी करना पड़ा, नहीं है। मैं आया तो था सिंगर बनने के लिए और उसके लिए स्ट्रगल करने के लिए, लेकिन यू नो यू हैव टू सर्वाइव। पढ़ाई की हुई थी और पढ़ना चाहता था, क्योंकि कुछ भी आप लाइफ में कीजिए, मेरे फैमिली का या मॉम डैड का या बड़ों का यही सिखाना था कि आप पढ़ाई पूरी कीजिए, तो पढ़ाई तो करनी ही थी। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी सिटी में जॉब करने की, तो वो बहुत मेरे लिए एक चैलेंजिंग रूल था कि आप नौकरी भी कर रहे हैं और अपने गाने पर कॉन्सेंट्रेट भी कर रहे हैं। फिर एक वक्त आया कि जब लगा कि नहीं, अब फुली फोकस गाने पर, तो उसके लिए फिर छोड़ा और गाने के लिए निकल गया। बिल्कुल। और हमें तुमसे प्यार कितना की जितनी हम तारीफ करें उतनी कम है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, रिक्रिएट इसे किया गया है। तो मुझे बताइए कि फ्यूचर प्लान्स भी आपने क्या कर रखे हैं, और भी ऐसे गाने हम आने वाले दिनों में चेक कर पाएंगे, देख पाएंगे, रिक्रिएट आप करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रिक्रिएशन पे अभी फोकस नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि जो सिंगर होता है उसकी वर्सेटैलिटी लोगों तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। तो अभी जैसे हमें तुमसे प्यार कितना किया है, तो इसके बाद में अगला एक मेरा जो गाना आ रहा है वो भी रामजी गुलाटी ही बना रहे हैं, जिन्होंने हमें तुमसे प्यार कितना को रिक्रिएट किया है मेरे लिए। इज ए ब्रदर एंड वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, तो वो ओरिजिनल है एंड वो दिसंबर मिड में हम लोग रिलीज करने की प्लान कर रहे हैं। और अगर हम बातें करें आपके ग्रैंडफादर की, हम बातें करें, उन्होंने पहली बार क्लासिकल म्यूजिक को हरियाणा में लाया था, सर इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप, क्योंकि आपकी पूरी फैमिली म्यूजिक के साथ जुड़ी हुई है, हम कह सकते हैं। बिल्कुल, 1940s में जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो शिफ्ट हो गए थे हरियाणा में रोहतक में, और अभी तो रोहतक काफी बड़ा नाम है, तो फिर वहां से म्यूजिक का सफर उनका स्टार्ट हुआ, क्योंकि हरियाणा में तो सिर्फ फोक चलते थे, क्लासिकल की बातचीत तो कम ही थी, अभी भी कम है, लेकिन वो पहले थे कि जो वहाँ पे क्लासिकल लेकर के आए थे, पायनियर गायक थे। क्या बात है। वैसे आपको इस बार 40 लाख लोग सुन रहे हैं तुषार फ्रेंड्स एफएम पे, उन सभी के लिए अगर आप इन दो गानों को थोड़ा सा अगर गुनगुना दें आप, हमें तुमसे प्यार कितना, तेनु प्यार कितना, बेशुमार कितना, कदी जावे जावी ना छड़ के, यादा तेरी आने अंजू कट दी ने, हुण आ जावे सोनी, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, अगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। क्या बात है तुषार, क्या बात है, दिल जीत लिया आपने, पूरे कोलकाता का दिल जीत लिया। थैंक यू सो मच तुषार फ्रेंड्स को समय देने के लिए। हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में भी आप इसी तरह के प्रोजेक्ट्स करते रहे, हम सबको एंटरटेन करते रहे, और नेक्स्ट टाइम जब आप कोलकाता आएंगे तो आपके साथ ढेर सारी बातें और भी हम करेंगे। बिल्कुल अनिमेश, लुकिंग फॉरवर्ड, और मैं भी चाहता हूँ कि आप ब्लेसिंग पर मुझे रखें और कीप सपोर्टिंग द सॉन्ग हमें तुमसे प्यार कितना, कीप सपोर्टिंग मी। ये थे हमारे साथ नन अदर देन वेरी टैलेंटेड सिंगर तुषार जूल्स, जिनके साथ हमारी बातें हुई थी 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे, फ्रीक्वेंसी फ्रेंड्स की। फ्रेंड्स एफएम।